इस 120 करोड़ के मुल्क में कई विचित्र प्रकार के प्राणी हैं और कई प्राणी कई तरह के आंदोलन करते हैं और सरकार सहनशीलता बरतती है, सरकार उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, पर जब आप सब मर्यादाओं की सीमा लांघ जाएं, जब आप सरकार को ही नहीं संसद को भी अपमानित करें, तो फिर यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस सावंत कमीशन आयोग की रिपोर्ट में आपको भी आपकी शक्ल दिखाई जाए, आपका चेहरा दिखाया जाए। आज हमारे पर जो आरोप किया है कि अन्ना तो भ्रष्टाचार में डूब गए, तो ये जनता को हम बताना चाहते हैं, सरकार को भी, कि हमें ये स्पष्ट करके दिखाए कि कहाँ भ्रष्टाचार हमारा। ज्यादा नहीं, 100 रुपए का भ्रष्टाचार दिखाइए, 100 रुपए का, सिर्फ 100 रुपए जो कहेंगे हम सुनेंगे। तो ये जो बदनामी की बात चल रही है, सरकार जानबूझकर बदनामी कर रही है। जाकर पूछा नहीं श्री अन्ना हजारे से कि आपके खिलाफ बहुत संगीन आरोप जस्टिस सामंत ने लगाए हैं। वो जस्टिस सामंत जो उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ पर बैठते थे, क्या कहना है आपको इन आरोपों के बारे में? ये जो पॉइंट है, कभी कभी पेपर समय पर नहीं दे, किसी पॉइंट के नीचे हमें बताइए कि वहाँ ये अन्ना का करप्शन है, एक भी पॉइंट में नहीं करप्शन है। और जब धर्मदा आयुक्त को बुला गया विटनेस के लिए, तो धर्मदा आयुक्त ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि हर संस्था काम करती है तो उसमें छोटे मोटे ऐसी बातें रह जाती है। तो पीवी सावन ने पूछा तो उसके लिए किसी को पनिशमेंट मिला है, तो उन्होंने कहा हमारे स्टेट में तो अभी तक पनिशमेंट नहीं मिला। तो ये तो सामान्य जो संस्था है वो तो काम करते समय छोटी छोटी बातें, ये करप्शन कहीं पर नहीं लिखा, जैसे मंत्रियों के हर मुद्दे पर करप्शन लिखा है, ऐसे हमारे यहाँ करप्शन कहीं पर नहीं है। और आज के दिन है कि लगभग सहमति ये है कि पार्लियामेंट तय करेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना, और अगर वो दोबारा मिलना चाहते हैं कोई उनको रोक नहीं रहा, लेकिन ये कहें कि हम नहीं, हम अब जब तक जन लोकपाल बिल जैसा उन्होंने बनाया है जब तक वो पार्लियामेंट नहीं जाएगा, कोई प्रोसेस नहीं है, जब तक हम पेश नहीं करेंगे उनका बिल पार्लियामेंट में तब तक वो अनशन करते रहेंगे। आई मीन नथिंग कैन बी मोर undemocratic than that, जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि we are undemocratic, I think nothing is more undemocratic than the stand taken by Anna Hazare and his team. अभी ये लोग जनता के दिशा भूल कर रहे हैं, संविधान पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट के बरखिलाफ ये आंदोलन है, बिल्कुल नहीं, हमारा आंदोलन है वो सरकार के विरोध में है। शुरू से हम कह रहे हैं कि सरकार को कि ये ड्रॉप अच्छा बनाकर भेजो, जितने पॉइंट निकले हैं तो सब ऐड करो और आगे भेजो पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट करेगी करेगी, लेकिन इन्होंने उसको नहीं किया। हर एक प्रोटेस्ट को एक दायरे में होना चाहिए, और ये तो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये जो प्रेस प्रोटेस्ट है, क्योंकि लेजिस्लेशन इज द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, द बिल इज नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट, दे हैव एक्सेस टू द स्टैंडिंग कमिटी, दे हैव ऑलरेडी मेट द स्टैंडिंग कमिटी, इफ दे वांट टू पुट देयर व्यूज अक्रॉस, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर द इश्यू ऑफ गवर्नमेंट टुडे, टुडे द गवर्नमेंट डजंट, दिस बिल इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट। अगर जब चर्चा होगी अभी पार्लियामेंट में, तो जो ड्राफ्ट भेजा है उसके ऊपर चर्चा होगी, और उस ड्राफ्ट में तो ये बातें है ही नहीं, तो चर्चा क्या करेंगे पार्लियामेंट? जैसे आपके पूरे ऑफिसर इसमें आना चाहिए, हर राज्य में लोक आयुक्त नियुक्त करना चाहिए,
सीबीआई इसके दायरे में आना चाहिए। ये जो पॉइंट थे 10-11 पॉइंट, ये अगर ड्राफ्ट में नहीं है तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी, और चर्चा नहीं होगी तो लोकपाल बिल, सही लोकपाल बिल आएगा नहीं। आपने कभी श्री अन्ना हजारे से ये पूछने नहीं की कोशिश नहीं की कि इनकी असलियत क्या है? अभी अभी ये सरकार ने 8 चार्टर अकाउंटेंट हमारे गांव में भेजे पूरी संस्था की जांच करने के लिए। 8 चार्टर अकाउंटेंट, आधा टेम्पो कागज पूरे दफ्तर से निकालकर जरूरत कर लेकर गए, अभी तक कुछ नहीं मिला। और ऐसे झूठे आरोप करे कि अन्ना हजारे डूब गए भ्रष्टाचार में। ये जो 16 अगस्त का अनशन है, इसका ना लोकपाल बिल से कुछ लेना देना है, ना भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना है। और अगर भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना है तो पहले जो जांच आयोग ने आपके बारे में कहा है उसकी सफाई दीजिए। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। जन लोकपाल बिल की लड़ाई जारी है, एक दिन जन लोकपाल आकर रहेगा, लेकिन जब तक मेरे पर जो आज आरोप हुए हैं, अन्ना हजारे भ्रष्टाचारी है, तो मैं आज सरकार को एक आह्वान करता हूं कि अगर जन लोकपाल बन गया तो भी मेरा आरोप जब तक स्पष्ट नहीं होगा कि अन्ना हजारे ने यहां यहां भ्रष्टाचार किया है, तब तक मेरा अनशन वापस नहीं लूंगा मैं। वन वेरी सिंपल रिट्रिएशन इज दैट इफ यू डिसाइड टू बेस अ मूवमेंट ऑन योर क्रेडेंशियल्स अगेंस्ट करप्शन, then don't you think you owe it to the nation to answer the charges of corruption which have been established against you by a commission of inquiry headed by a person not less than a judge of the supreme court? अरे हम अपने जीवन में गहरे डूबने के बाद छोड़ो, लेकिन इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग ना। तो 20 साल ऐसे हस्तियों के साथ लड़ना, गुंडों के साथ लड़ना, शक्तिशालियों के साथ लड़ना, ये आसान नहीं है। अगर थोड़ा भी दाग लग जाता तो ये लोग तोड़ मोड़ देना था मुझे, लेकिन इतना संभाला है जीवन में, और इसके कारण 20 साल से ये लड़ाई जारी है। This movement is not some innocent movement. कितना पैसा इस पे खर्च हो रहा है, कौन बल्क SMS दे रहा है, पहले एक NGO का बल्क SMS आता है, उसके बाद भाजपा का बल्क SMS आता है, उसी टर्म्स पे आता है, 2 मिनट के बाद आता है। सारे हिंदुस्तान ये जा रहे हैं, कभी अमेठी जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, सारा प्रोग्राम सेट होता है, इवेंट मैनेजमेंट के साथ हो रहा है, इस पे पैसा खर्च कौन कर रहा है, क्योंकि ये तो बेचारे इनके पास तो कोई पैसा वैसा है नहीं, और हमें लगता है कि वाकई में नहीं है, और मंदिर में रह रहे हैं। तो ये सारा मामला ये सवालात खड़े होते हैं कि इसके पीछे कोई और ताकत है और उसका कोई और मकसद है, और ये बात हमारे प्रवक्ता ने आज मंच पे कही है। खुद करप्शन करते हैं, हमें पूछते हैं कि आप ये पैसा कहाँ से लाते हैं। अरे नजदीक से आकर इंक्वायरी करो ना, महाराष्ट्र के जनता को पता है कि ये पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में मैं घूमता हूँ झोला रखता हूँ झोला, और जनता को बताता हूँ 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया झोला में डाली है। झोला के आधार पर 20 साल मैं लड़ रहा हूँ, और मुझे हमें पूछ रहे कि ये पैसा कहाँ से आता है, देख लो ना इंटरनेट पर।
जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ है, कितना पैसा आया, कैसे आ गया, क्या क्या खर्चा हुआ, पूरा इंटरनेट पर हिसाब है। हमारा हिसाब आप मांगते हैं, कांग्रेस की पक्ष और पार्टियां करोड़ों रुपया इकट्ठा करती, करोड़ों रुपया जनता से, उसका हिसाब क्यों नहीं देती जनता को? ये जनता का पैसा है। मुश्किल ये है कि ज्यादा अन्ना हजारे जी को ज्यादा संविधान का तो मालूम नहीं, प्रॉब्लम असली है। 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, ऑटोमेटिक बन गया, उसके लिए इलेक्शन नहीं, विलेज पार्लियामेंट, उसको इलेक्शन नहीं है। ये दोनों ने, ये विलेज पार्लियामेंट ने ये दोनों पार्लियामेंट बनाई है, विधानसभा और लोकसभा, इसके कारण बनी है विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा इसकी जननी है विलेज पार्लियामेंट। दिल्ली में जब जमीन के बारे में आप कोई भी फैसला लेते हैं तो विलेज पार्लियामेंट को पूछना चाहिए, ये है गणतंत्र, ये है प्रजातंत्र, ये है लोकशाही, अपने मर्जी से आप डिसीजन लेते हैं और किसानों पर लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं। आपका मकसद क्या? आप अनशन का मतलब है सेल्फ प्योरिफिकेशन, प्रोटेस्ट, अनशन का बगावत मतलब भी है। हम 16 अगस्त को जो ऐलान किया पहले से, उसके मुताबिक हर राज्यों में यह आंदोलन जारी रखना है। अगर पुलिस ने हमें अटक करवा लिया, अटक कर दिया, तो आप भी अपने अपने जगह पर अटक कर लो। देश में अभी यह समय आ गया, अगर इस टाइम में आप आज का यह आंदोलन अगर शिथिल हो गया और आज का दिन ये आपके सामने नहीं रहा, तो फिर से ऐसा मौका देश में कब आएगा पता नहीं। यही एक मौका आ गया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने का, वही एक मौका आ गया। अभी हो सकता है हमें जेल में जाना है, पुलिस की लाठी खाना है, समय आने पर गोली भी खाना है। हमने तो तैयारी रखी है, गोली खाने की भी तैयारी रखी है। But if someone decides to cross that Lakshman Rekha, starts suffering from a disease called grandeuritis, this is a very peculiar disease, it is called grandeuritis, it is a combination of delusions of grandeur and grandstanding, then he needs to be shown his place. करते रहेंगे इस देश के लिए कि 26 साल की उम्र में पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया, इसलिए तो पूरा लाइफ देश के लिए अर्पण करते हुए खतरा लग रहा था कि चूल्हा जलाने में समय बीत गया तो क्या होगा, इसलिए सोचा कि शादी में नहीं करना। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ये उचित है कहना कि आई एम थिंकिंग हाउ यू विल फेस योरसेल्फ टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द 15th ऑफ अगस्त एट रेड फोर्ट, ये कोई कहने की बात? तो वो तो बहुत इमोशनल स्टेटमेंट है कि भाई आप 79 वर्ष के हो गए हैं, वो वही काम कर रहे हैं। अरे कहीं गाली तो नहीं दिया उसने हम लोग, उसमें हम लोग कहीं गाली तो नहीं दिया, क्या बुरी बात कही, वो बताना था क्या बुरी बात कही। लोकपाल बिल संसद के सामने है, अब उसमें एक प्रावधान होना चाहिए या दूसरा प्रावधान होना चाहिए वो संसद तय करेगी, अब सड़क तय नहीं करेगी। तो इसलिए ये सारी बातें कहने के लिए मजबूर हमको इसलिए होना पड़ा क्योंकि इतनी ज्यादा सहनशीलता दिखाने के बाद अगर फिर भी कोई पूर्व निर्धारित एजेंडे के तहत इस देश में अराजकता और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है तो कतई उसको जवाब देना एक लोकतांत्रिक
राजनीतिक दल होते हुए हमारा फर्ज बनता है। एक ही बात मैं आप सबको कहता हूं देशवासियों के लिए, कभी भी हम शांति का भंग नहीं करना। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना हो। अरे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करेंगे, किसके नुकसान करेंगे, हम अपने नुकसान कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति का कोई भी नुकसान ना हो। रास्ते से जाने वाले भाई बहन वो हमारे भाई बहन हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, ऐसे वर्तन हम करना इस आंदोलन में। कांग्रेस पार्टी ने एक अपना रवैया अपनाया है आपको बताने के लिए कि इस चेहरे के पीछे कौन है और क्या है। रामदेव बाबा के साथ में जो बर्ताव हुआ, लाठी चलाई 1:30 बजे रात को, हमारे ऊपर अगर पुलिस ने लाठी भी चलाई तो हम हाथ ऊपर नहीं करना। वो सहन करते हुए देश के लिए, समाज के लिए सहन करते हुए उसको सहन करना है, ये मेरी विनती है।